हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम कई दिनों से वृंदावन में घूम रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम जाएंगे प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर का आपको संपूर्ण वीडियो देंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो में, स्किप ना करें। आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं खुद प्रेम मंदिर में घूम रहा हूँ। आपको मानसिक प्रेम मंदिर की यात्रा का आनंद मिलेगा और आपके ऊपर राधा कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। आप एक बार मेरी पूरी वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का प्रचार करने का फल आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को सब लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका पुण्य प्रकाशित हो और आप पुण्य के भागी बनो। ये देखो, भगवान कृष्ण ने जो कालिया नाग पर लीला की थी उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का प्रकाशन किया गया है। ये प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत अपना प्रेम मंदिर है। सनातनियों की शान है प्रेम मंदिर। आप प्रेम मंदिर में ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। वृंदावन की एक एक मंदिर इतनी खूबसूरत है कि आप इसमें खो जाओगे और राधा 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 बोलते जाओगे। राधा नाम की लत आपको लग जाएगी। जब कालिया नाग ने यमुना नदी में उत्पात मचाया और पूरी नदी का पानी काला कर दिया, जहरीला कर दिया, सारे पशु पक्षी मरने लगे, तब भगवान कृष्ण ने बाल स्वरूप में कालिया नाग के फन पे जो नृत्य किया था उसको संपूर्ण उसको दर्शाया गया है। देखिए आप इस प्रेम मंदिर की छटाओं को और यहाँ की लीलाओं को। यह प्रेम मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर देखिए कितनी बारीकी से कटिंग की गई है पेड़ पौधों की। इतना बारीक, इतनी सजावट, मज़ा आ जाता है। मैं कब से प्रेम मंदिर में घूम रहा हूँ और मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर रुके रहो और दिन भर यहीं बिता दो। लेकिन प्रेम मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद ये शाम को 4 बजे खुलता है। आप प्रेम मंदिर में नाइट को आइए, नाइट को भी इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है प्रेम मंदिर कि आप इसे देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, देखते ही रहो। अद्भुत है प्रेम मंदिर की लीलाएं, अद्भुत है भगवान कृष्ण की लीलाएं। और अब हम आपको आगे ले चलते हैं और प्रेम मंदिर के आगे का दृश्य दिखाते हैं। आप भी आगे का दृश्य देखकर चौंक जाओगे। प्रेम मंदिर आप आ सकते हो डायरेक्ट मथुरा, मथुरा से आप डायरेक्ट वृंदावन आइए। यहाँ पर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी कीजिए और प्रेम मंदिर में भी घूमिए। बिल्कुल पूरा संगमरमर से बना हुआ है प्रेम मंदिर, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ फोटोग्राफी फुल अलाउ है। यहाँ पर आप कितने ही प्रकार की रील बना सकते हो, कितने ही फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। मंदिर के अंदर भी आप मोबाइल कैमरा सब कुछ ले जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। बस आप यहाँ की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, बस कैमरे से अपनी फ़ोटो क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे बोलते जाइए। राधा रानी का नाम जो एक बार बोलता है वो भवसागर से पार हो जाता है, उसके सारे पापों को समाप्त किया जाता है। आप भी वृंदावन में आइए और राधा नाम की मस्ती में खो जाइए। श्री वन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, प्रेम मंदिर में राधे राधे, इस्कॉन टेम्पल में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, यमुना घाट पे राधे राधे, राधे राधे। इतना अद्भुत खुशी मिलती है इस नाम को गाने में कि आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। आप एक बार राधा नाम की मस्ती में खोकर तो देखिए, आपकी ज़िंदगी ना संवर जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करी है और अपना परम शांति पाई है मैंने। मैं बहुत भटका हूँ, मुझे बहुत दुख का मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब मैंने वृंदावन मथुरा गोकुल की शरण ली तब से मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, भगवान कृष्ण ने जब पूतना का वध किया था तब की लीला,
और ये जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था, जब इंद्रदेव ने भयंकर बारिश की थी, तब उन्होंने पूरा पर्वत गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लिया था और संपूर्ण ब्रजवासियों को सुरक्षित बचाया था। ये गोवर्धन पर्वत आज भी वृंदावन में स्थित है और लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, जिसे आप संपूर्ण कर सकते हो, यहाँ पर रुक सकते हो। आप मथुरा आइए, मथुरा के बाद आप वृंदावन में एक दिन होटल में रुकिए, वहाँ पर विश्राम कीजिए, उसके बाद आप संपूर्ण वृंदावन का एक एक मंदिर, एक एक जगह को विजिट कीजिए, आपको परम शांति का अनुभव होगा। वृंदावन बहुत ही अद्भुत धाम है, यहाँ पर 4-5 दिन रुकने से ही आपको इस धाम की महिमा की अनुभूति हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर आके देखिए और विजिट कीजिए। अब हम प्रेम मंदिर के अंदर जाएंगे और आपको प्रेम मंदिर के अंदर की खूबसूरत लोकेशन के बारे में बताएंगे। देखिए ये प्रेम मंदिर का प्रवेश द्वार, अभी हम इसमें एंट्री कर रहे हैं और आप देखिए मेरे साथ प्रेम मंदिर में राधा रानी और भगवान कृष्ण की कितनी सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं, जो ऐसी प्रतीत होती है कि साक्षात राधा रानी और भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। आज जन्माष्टमी के दिन हम आए थे तो इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे इस मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन रात को ज़्यादा ही पब्लिक यहाँ पर आती है और आनंद विभोर हो जाती है। प्रेम मंदिर वृंदावन में बसा एक खूबसूरत मनमोहक आकर्षक मंदिर है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें भगवान राधा और कृष्ण की मूर्ति है, जो इतनी आकर्षक लगती है कि वो साक्षात विराजमान है। आप इस मंदिर का इस मंदिर की खूबसूरती के बारे में वर्णन नहीं कर सकते हो, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल भगवान कृष्ण के हृदय की तरह सुंदर है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ कि इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। आप जब यहाँ आओगे तो आप अनुभव करोगे। आप वृंदावन में आओ, प्रेम मंदिर में ज़रूर घूमिए और यहाँ का वातावरण आपको भक्तिमय बना देगा। यह बहुत ही सुंदर वातावरण है, यहाँ हर कोई राधा 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 नाम का जप करता रहता है और अपना जीवन धन्य बनाता है। आप मेरे साथ पूरे मंदिर का भ्रमण कीजिए और आपको मानसिक प्रेम मंदिर की यात्रा का आनंद प्राप्त होगा। राधे राधे। अब हम ये गुरुदेव का प्रतिमा बनी हुई है और आगे चलेंगे हम। देखिए भीड़, लोग भक्तों की भीड़ देखिए आप, कितने ज़्यादा भक्त आ रहे हैं जन्माष्टमी के दिन। इस मंदिर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये गुरुदेव जब अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं तब का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए आप लोगों की भीड़ देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मंदिर। और यहाँ पर हम अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ के मंदिर में आरतियाँ लिखी गई हुई है, ब्रज 84 लिखी गई है। इसमें मंदिरों पे बहुत अच्छी अच्छी आरतियों का वर्णन किया गया है। आप आरतियों का आनंद लीजिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाइए। देखिए सभी भक्तगण दर्शन कम करते हैं और फोटो ज़्यादा खींचाते हैं। ये देखिए आप, हर एक भक्त के मोबाइल में हाथ में मोबाइल ज़रूर होगा। ये देखिए भगवान कृष्ण की लीला का, देखिए माँ यशोदा और भगवान कृष्ण कितना सुंदर, कितना मनमोहक छवि बना रखी है। भगवान कृष्ण जब माखन की चोरी करते हैं तो माँ यशोदा उनको पकड़ लेती है, इसी का वर्णन इस मूर्ति में किया गया है। अब हम राधा और कृष्ण की मेन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे, जो इस प्रेम मंदिर का आकर्षण का केंद्र है। ये प्रतिमाएं जितनी फोटो में खूबसूरत लगती है, उससे लाखों गुना ये प्रतिमाएं साक्षात दर्शन करने पर लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश है,
करोड़ सूर्य का प्रकाश इस मूर्ति इन दोनों प्रतिमाओं के अंदर समा चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। मोबाइल से भी फोटो थोड़ा धुंधला आता है क्योंकि इन दोनों मूर्तियों में प्रकाश बहुत ज़्यादा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत राधे 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 राधा कृष्ण आप केवल राधा नाम का जप करते रहिए और मेरे साथ पूरे प्रेम मंदिर का भ्रमण कीजिए। आपको प्रेम मंदिर की एक एक गली में मैं घुमा दूंगा, आप निश्चित बने रहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो तो आवाज़ कम करके पूरी वीडियो को देखें और मज़े लीजिए। आप देखो ये भगवान कृष्ण मटकी में से माखन निकाल रहे हैं, पूरी लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ की एक एक लीला इतनी खूबसूरत इतनी आकर्षक है कि आप उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते हो। भगवान कृष्ण को माखन बहुत ज़्यादा पसंद था। अब हम ऊपर के फ्लोर की तरफ जाएंगे जहाँ राम जी और सीता जी की प्रतिमाएं बनी हुई है। इस मंदिर में दो प्रतिमाएं बनी हुई है, एक तो भगवान कृष्ण और राधा रानी जी की और एक माता सीता और राम जी की, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर में पूरे दिन घूमो तो भी कम पड़ता है क्योंकि ये मंदिर बहुत ही आकर्षक लगता है और घूमने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हम यहाँ जो भी आता है वो राधा रानी की कृपा से ही आता है। अगर जब राधा रानी बुलाएगी तभी आप यहाँ आ सकते हो। आप कितनी ही कोशिश कर लो, जब तक आपके अंदर यहाँ आने की लगन पैदा नहीं होती तब तक आप यहाँ नहीं आ सकते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा दिनों से यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन जब मैंने सोच लिया कि जाना है तो जाना है, तो मैंने यहाँ आने का पूरा प्लान बनाया। टिकट कंफर्म हो गया मेरा और सब कुछ कंफर्म हो गया। जब मुझे रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं जनरल डिब्बे में ही जाऊँगा और ब्रज यात्रा करके आऊँगा। तो मैं जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचा, मेरा गांव झालावाड़ है और मैं कोटा से मथुरा के लिए जब ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में मुझे जाते ही सीट मिल गई और मैं बिल्कुल आराम से मथुरा आ गया। मथुरा आने के बाद मैं डायरेक्ट वृंदावन आया और रात को 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। उसके बाद यमुना घाट पे गए और फिर उधर से निधिवन, बांके बिहारी, इस्कॉन टेंपल और अब हम प्रेम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखिए ताकि आपको संपूर्ण ब्रज की यात्रा का आनंद मिले। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये ब्रज की महिमा ही इतनी खूबसूरत है कि जितना कम बना उतना ही कम पड़ता है। ये देखिए तुलसीदास जी अपनी रामायण जी को लिख रहे हैं और ये भगवान राम फल तोड़ रहे हैं माता सीता के लिए। माता सीता फलों को, आम के फलों को इकट्ठा कर रही है। कितनी खूबसूरत लग रही है ये छवि। माँ सीता और भगवान राम की छवि को देखिए। अब हम भगवान राम और भगवान माता सीता की मूर्ति को देखेंगे। ये भी बिल्कुल राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन ये भगवान राम और सीता जी की, इनके पास ये कान्हा जी की बाल लीलाओं का वर्णन है, जो जिसमें वो माखन चोरी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ अपनी लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। इसमें ये झूमर देखिए आप, झूमर ये 1 लाख रुपए का झूमर है जो इतना खूबसूरत लग रहा है मंदिर। यहाँ गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की भी अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं उनका वर्णन यहाँ पर, उनकी मूर्ति भी बनाई गई है। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और ये गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु देखिए, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अब हम प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम मथुरा जाएंगे। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव देखेंगे, भंडारों के मज़े लेंगे
और आपको भी पूरा मथुरा वृंदावन ब्रज सब कुछ परिक्रमा कराएंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो में। ये देखिए, जो भी भक्त आता है मोबाइल हाथ में लेकर आता है, ये है कलयुग की महिमा। पहले लोग आते थे हाथ जोड़ कर आते थे, लेकिन अब देखो लोग आते हैं मोबाइल के बिना तो कोई आता ही नहीं है। एक दो भक्त होगा जो मोबाइल के बिना, हर कोई चाहता है कि हम भगवान कृष्ण को अपने कैमरे में कैद कर लें और उनको घर पे जाकर देखते रहिए। देखिए भगवान कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, माँ यशोदा उनके पीछे लाठी छड़ी लेके दौड़ रही है। जब वो चोरी करते हैं तो वो मैया को बहुत परेशान करते हैं और अपनी लीलाओं को चालू रखते हैं। प्रेम मंदिर में अनेक लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। आप ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप आओगे नहीं, इसलिए सोचो, प्लान बनाओ और निकल पड़ो। किसी की भी मत सुनो। आप जो भी आपको रोकता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए आपको किसी की बात नहीं माननी चाहिए। आप बेधड़क घर से आ सकते हो और भगवान के दर्शन कर सकते हो। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनको वासुदेव जी इस प्रकार ले गए थे, इसका वर्णन किया गया है। कितना सुंदर, कितना आकर्षक है ये, बहुत ही अद्भुत है ये माया जिसे कोई समझ नहीं पाया। हरी अनंत हरी कथा अनंता, जो गा वही सुनही सब विधि संता। हरी अनंत है और उनकी कथाएं अनंत है, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमने आपको प्रेम मंदिर की एक एक चीज़ बता दी है। अब हम प्रेम मंदिर से बाहर की तरफ जाएंगे और मथुरा में आज का स्टे करेंगे। और हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात भगवान के साथ ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलिए और भगवान की वीडियो डालिए। आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आप देखते रहोगे। अब हमें खुद थोड़ी भूख लग रही थी तो हम भंडारे की तरफ आ चुके हैं और हम भंडारे के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पे मथुरा में इतने ज़्यादा भंडारे लगते हैं। आप यहाँ पर आइसक्रीम, सेव फल, केले, हलवा, पूड़ी, मर्जी पड़े जो खाओ, निशुल्क दवाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। आप जहाँ ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ चुके हो। हम यहाँ पर आए और भंडारों के भी मज़े लिए और यहाँ पर बारिश भी होने लग गई थी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पे बारिश ज़रूर आती है। तो हमारी ये यात्रा हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपको आना ही है तो कृष्ण जन्माष्टमी पे आओ। आपको इतना मज़ा आएगा इस दिन कि आप भूल नहीं सकते हो ये पल, ये लोगों की भीड़। कुछ लोगों की भीड़ देख कर डर जाते हैं, और इतनी भीड़ में चलेंगे तो क्या होगा, हमने भी यही सोचा था। लेकिन जब हम भीड़ में आए तो हमें ट्रेन में सीट भी मिल गई और हमें होटलों पे भी खाना नहीं पड़ा, और भगवान कृष्ण की लीलाएं देखे, इतने हमें भंडारे मिले। ये भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 से हम एंट्री करेंगे और गेट नंबर 1 से हमें निकाला जाएगा, क्योंकि आज भीड़ है तो ऐसा ही होगा। और जन्मभूमि में मोबाइल, पर्स, कुछ भी अलाउ नहीं होता है, आपको सब कुछ जमा कराना पड़ेगा। इसलिए हम आपको अंदर का दर्शन नहीं करा सकते हैं। आपको इसके लिए ये राजस्थानी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। यहाँ पर सोने के भी भंडारे बने हुए, मतलब सोने के लोगों ने स्टेज बना रखी है बेकायदा। आप वहाँ पर सो सकते हो, आराम कर सकते हो। हमने यहाँ पर थोड़ा विश्राम किया, थोड़ी नींद निकाली और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए भगवान कृष्ण की लीलाओं में कुछ नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कलाकार हैं यहाँ मथुरा निवासी हैं, जो स्थानीय लोकल निवासी है, वो देखिए अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। और बहुत ही आपको, जब आप खाली समय में आओगे तो आपको
थोड़ी बहुत लीलाएं देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी पे आओगे तो आपको मथुरा की हर कुछ लीलाएं देखने को मिलेगी, तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह के भक्त आपको देखने को मिलेंगे। देखो थोड़ी देर में बरसात भी आ गई और हमें पूरा भींजा दिया। भंडारों में देखिए डू की बोतलें लुटाई जा रही है। कहीं देखा होगा आपने ऐसा अद्भुत नज़ारा? ये हमारे वृंदावन में ही मिलता है। यह वृंदावन है यारे, वृंदावन वृंदावन, मज़ा आ जाता है यहाँ पर घूमने का। यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आ नहीं पाते। यहाँ आने के लिए आपको अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। भगवान राधा रानी जब बुलाती है तभी आप आते हो। आप यहाँ आकर सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कीजिए, फिर यमुना घाट में स्नान कीजिए, फिर उसके बाद आप बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद आप निधि वन के दर्शन कीजिए, फिर आप इधर आ सकते हो इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, फिर उसके बाद आप शाम को जन्मभूमि में आ सकते हो। जन्मभूमि से दर्शन होने के बाद आप डायरेक्ट अपने स्टेशन पे आ सकते हो। देखिए कितनी भीड़ है इस ट्रेन में, फिर भी हमें इतनी अच्छी सीट मिली कि हम देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और हमें बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अगले ब्लॉक में।